Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to a new vlog. पिछले vlog में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अबू धाबी टेम्पल गए थे और ये टेम्पल ना बहुत खूबसूरत है. पता नहीं वीडियो में आप लोगों को कितना पता चला होगा, पर वीडियो ना इस जगह की खूबसूरती जस्टिफाई नहीं कर सकती. इसको तो अपनी आँखों से ही देखना पड़ेगा. मंदिर में दर्शन के बाद फिर हम लोग निकल पड़े अबू धाबी ग्रैंड मॉस्क देखने के लिए. इतने साल से मैं दुबई में हूँ, ग्रैंड मॉस्क के पास भी गई हूँ लेकिन उसके अंदर नहीं जा पाई. वो एक अलग ही स्टोरी है कि क्यों नहीं जा पाई थी अंदर, वो मैं बाद में किसी दिन बताऊँगी. हमारे टेंपल वाले वीडियो में मैं बोलना ही भूल गई कि टेंपल कब ओपन रहता है और कब क्लोज रहता है. आजकल सभी गूगल से देख लेते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा मुझे अपने व्यूअर्स के लिए ये बताना चाहिए. हर सोमवार को टेम्पल बंद रहता है और बाकी के दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक टेम्पल खुला रहता है. टेम्पल में जाने के लिए स्पेसिफिक ड्रेस कोड भी है. बेसिकली आप वहाँ पे फुल स्लीव्स तो नहीं, पर आप जो कपड़े पहन रहे हो उसमें स्लीव्स होना ज़रूरी है. आप वेस्टर्न, इंडियन, फिर अबाया कुछ भी पहन के जा सकते हो. और ये टेम्पल ना हर किसी के लिए ओपन है. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई भी जा सकते हैं यहाँ पे. बस लड़कियाँ यहाँ पे स्लीवलेस पहन के नहीं जा सकती. फुल स्लीव्स नहीं, पर स्लीव्स होना ज़रूरी है. आज ना टेम्पल में इतना ज़्यादा भीड़ था, टेम्पल में जो फूड कोर्ट है वहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए. फिर अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई है. बहुत सुबह सुबह घर से निकले थे, कुछ खाए भी नहीं थे क्योंकि टेम्पल जाना है तो खाली पेट है. बस उमा को कुछ खिलाया था और अभी गाड़ी में बैठ के भी मैं उमा को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खिला दूँगी. उसका खाना तो मैं हमेशा कैरी करती हूँ, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है. हमारे जो ड्राइवर भैया थे उनको भी बहुत भूख लग गई थी, तो वो कह रहे थे कि अब क्या करूँ, आसपास किसी रेस्टोरेंट चला जाऊँ या फिर ग्रैंड मॉस्क. फिर उन्होंने देखा गूगल मैप में कि मंदिर से ग्रैंड मॉस्क तक बस 30 मिनट्स लगता है जाने में, तो उन्होंने कहा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, चलिए वहीं पे चलते हैं, वहाँ से कुछ खा लेंगे. हम लोगों को ड्राइवर भैया के लिए बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि जब हम लोग टेम्पल पहुँचे ना तभी वो लोग कह रहे थे कि अरे यहाँ तो आसपास कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ पे खाऊँ, मुझे तो ऑलरेडी भूख लग रही है. और तब से लेके अब तक वो भूखे हैं, कुछ नहीं खाए, बस पानी पिया है. मैं ना आसमान में ये बादलों को देख रही थी और सौरभ से कह रही थी कि देखो ये बादल कैसे अलग से दिख रहे हैं, लग रहा है कि जैसे किसी ने ब्रश स्ट्रोक से बनाया है, छोटा 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 कितने सारे बादल एक साथ. बहुत अच्छा लग रहा था देखने में. और फिर सामने ये ब्रिज दिखा जाते हुए, और ये ब्रिज देख के ना मुझे कोलकाता याद आ गया. कोलकाता में जो बाली ब्रिज है वो कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है. और दूर वहाँ पे एक दूसरा ब्रिज था, मुझे उस ब्रिज का नाम पता नहीं है, पर उसका भी शेप बहुत यूनिक है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो. और ये देखिए हम लोग अभी पहुँच गए हैं ग्रैंड मॉस्क. अभी गाड़ी को पार्किंग में रखने के बाद मैं गाड़ी के अंदर चेंज कर लूँगी. पड़ोसी से मांग के एक अबाया लेके आई हूँ, एक दिन के लिए ही चाहिए था तो मैंने और नहीं खरीदा. अबाया तो नहीं खरीदा, लेकिन अबाया के ऊपर पहनने के लिए ये स्कर्फ मैंने ख़रीदा था. ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा व्लॉग में. और ये कलर ना, ये वाइट अबाया के ऊपर सच में बहुत अच्छा लग रहा है. आपनी की खेते भालोबाशन शेखाने जाबो कोनो ব্যাপার না
सौरभ ड्राइवर भैया से पूछ रहे थे कि आप क्या खाना चाहते हैं बोलिए, लेकिन वो यहाँ पे पहुँच के सारी चीज़ों का प्राइस देख के कुछ भी नहीं खाना चाहते। वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अभी लंच करने के लिए मैकडोनल्ड्स आए हैं और सामने कुछ दूसरा ऑप्शन दिखा नहीं और हमने उतना ढूंढा भी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सौरभ गया था ऑर्डर देने, मैं और उमा यहाँ पे बैठी थी और हमारे जो ड्राइवर भैया हैं वो भी सौरभ के साथ गए हैं। तो यहाँ पे ना एक जन आके बैठ गए, मैंने उन्हें बोला भी कि यहाँ पे कोई है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं जब वो आएंगे मैं उठ जाऊँगी। और वो ना आइसक्रीम खा रही थी, वो देख के उमा को भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। सौरभ ने हम तीनों के लिए बर्गर मील ऑर्डर किया था तो अब हम वही खा रहे हैं और उमा फ्रेंच फ्राइज़ खा रही है। बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, पर वो तो धीरे धीरे खाती है ना, बस एक या दो खाती है, उससे ज़्यादा नहीं। हम लोगों का लंच हो गया लेकिन मैं और उमा अभी भी मैकडोनल्ड्स में बैठे हैं। सौरभ और हमारे ड्राइवर भैया फिर से गाड़ी के पास गए हैं स्टॉलर लाने। हम लोगों को लगा था कि हम लोग स्टॉलर लेके ग्रैंड मॉस के अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आके देख रहे हैं कि सब लोग जा रहे हैं स्टॉलर लेके। पहले ना ग्रैंड मॉस में डायरेक्ट एंट्री होता था, लेकिन बाद में यहाँ पे इन लोगों ने एक अंडरग्राउंड पूरा मॉल बना दिया है एक टनल की तरह, तो आपको उस मॉल में एंट्री करके फिर वहाँ से आपको ग्रैंड मॉस के लिए जाना पड़ेगा। ग्रैंड मॉस्क में जाने के लिए टिकट चाहिए होता है, तो ये टिकट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप गूगल में जाके सर्च करोगे ग्रैंड मॉस्क लिख के तो आपको वो वेबसाइट मिल जाएगा। बहुत ही आसान है वहाँ से बुकिंग करना और ये टिकट एब्सोल्युटली फ्री है। आपको बस जितने लोग हैं उतना आपको एक QR कोड मिलेगा। अगर छोटा बच्चा है तो भी आपको टिकट लेना ज़रूरी है। उमा का भी टिकट लिया था हमने और ड्राइवर भाई साहब के लिए भी, तो हम लोगों ने 4 टिकट लिया था। ग्रैंड मॉस्क में जाने से पहले प्रॉपर सिक्योरिटी चेकिंग होता है जैसे एयरपोर्ट में होता है बिल्कुल वैसे ही, और हर जगह आपको वो QR कोड दिखाना ज़रूरी है। और यहाँ पे ना ऑफलाइन टिकट भी मिलता है, पर ऑफलाइन टिकट के बारे में मुझे उतना पता नहीं है, पर यहाँ पे काउंटर है जहाँ पे जाके आपको ऑफलाइन टिकट भी मिल जाएगा। जब हम लोग ग्रैंड मॉस्क पहुँचे तो एकदम कड़कती हुई धूप थी वहाँ पे, और मैं ना आज सनग्लास लाना भी भूल गई। सनग्लास लाना चाहिए था क्योंकि मैं देख नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा सनलाइट था वहाँ पे। हमारे ड्राइवर भैया आज बहुत खुश थे क्योंकि वो बहुत बार ग्रैंड मॉस्क के आसपास आए हैं, पैसेंजर्स को लेके वो आते हैं, लेकिन कभी वो ग्रैंड मॉस्क के अंदर नहीं जा पाए थे क्योंकि किसी ने उनके लिए कभी टिकट ही नहीं लिया था। मस्जिद शादा, गुंडी शादा, गुंडीर माँ शादा, सबाई शादा। हम लोग जब ग्रैंड मॉस्क पहुँचे तब सूरज एकदम सर के ऊपर था, बहुत ही कड़कती हुई धूप थी। मैंने सुना है कि शाम के वक्त जब सनसेट होने वाला हो उससे बिल्कुल पहले पहले अगर आप ग्रैंड मॉस्क आते हो ना तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। जो गोल्डन आवर्स होता है उसमें ग्रैंड मॉस्क देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये कड़कती हुई धूप में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ग्रैंड मॉस्क पूरा वाइट है और वाइट कलर के ऊपर ये कड़कती हुई धूप जब गिर रहा है ना तो पूरा मॉस्क जो है ना वो चमक रहा है। एगुलो पूरो भेतरे स्टोन इनग्रेव करा, खूब सुंदर।
मेरी मम्मी जब आई थी ना, तब सौरभ मम्मी को घुमाने लेके आया था ग्रैंड मॉस्क, और मैंने वो वीडियो एडिटिंग किया था, तो वीडियो में तो मैंने ग्रैंड मॉस्क को बहुत अच्छे से देखा है। और भी बहुत सारी YouTube वीडियोस है ग्रैंड मॉस्क के ऊपर, वो सब मैंने देखा है। लेकिन एक बात तो ज़रूर कहूँगी, आप चाहे वीडियो में ग्रैंड मॉस्क कितना भी देख लो, जब आप अपनी आँखों से सामने से आके देखते हो ना, तब वो एक अलग ही फीलिंग होती है उस चीज़ का। मैं और सौरभ ऊपर जो डिज़ाइन बना है वो देख रहे थे, और दोनों ये डिस्कस कर रहे थे कि ये डिज़ाइन इन लोगों ने कैसे बनाया होगा, वहाँ पे इंग्रेव किया है या फिर बना के फिर चिपकाया है। और ये देखिए उमा की हरकत, वो स्टॉलर के ऊपर खड़ी हो रही है, वो बिल्कुल बैठना नहीं चाहती, वो चाहती है कि उसे छोड़ दो नीचे, उसको नीचे घूमना है। और वो ना हाथ पकड़ के भी नहीं चलेगी, उसका जिधर मन है उस तरफ उसको जाना है। देखिए वो रस्सी है ना, उस तरफ नहीं जा सकते, पर उसको उसी तरफ जाना है। अगर आपने भी ग्रैंड मॉस्क का वीडियो देखा है और कभी ग्रैंड मॉस्क में नहीं गए, तो मैं कहूँगी अगर हो सके तो एक बार ज़रूर जाना, अगर आपके लिए पॉसिबल है वहाँ पे जाना, क्योंकि वीडियो में जो हम देखते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर है ये जगह। मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, अगला जन्म होता है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इस जन्म में ही मैं ये सब अपनी आँखों से देख रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैंने कितना अच्छा मंदिर देखा, फिर ग्रैंड मॉस्क देख रही हूँ, इन सब के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ये डिज़ाइंस देखिए, देख के लग रहा था जैसे कारपेट है, लेकिन ये भी स्टोन से इंग्रेव किया हुआ है, और ये वाला ना पूरा एक ग्रीन मार्बल का बॉल बनाया है यहाँ पे। और ये जो पिलर्स हैं, इनमें तो मैंने पहले ही बताया कि स्टोन्स को लगा के फिर उससे डिज़ाइन बनाया गया है। और ऊपर ये जो गोल्डन कलर का है ना, ये जो खजूर का पेड़ होता है उससे इंस्पायर्ड होके ये वाला डिज़ाइन है। और मॉस्क के बीच में ये जो जगह है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है। अभी तो फ़िलहाल वहाँ पे जाने नहीं देते, लेकिन बहुत पहले लोग वहाँ पे भी जाते थे। हमारी छोटी सी उमा, पता नहीं उसको कितना समझ में आ रहा है ये सब कुछ, लेकिन वो बहुत इंजॉय कर रही है। और ये झूमर देखिए कितना खूबसूरत है, और यहाँ पे दीवार पे ये जो फूल पत्ती बने हुए हैं ना, ये तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा डिज़ाइन, पर ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये कुछ कुछ 3D टाइप का डिज़ाइन है, मतलब उभरा हुआ है। और ये देखिए उमा की हरकत, मैं ये ग्रैंड मॉस्क क्या देखूँ, मेरी नज़र बीच बीच में सिर्फ उमा की तरफ होती है, क्योंकि ये ना आजकल स्टॉलर में उठ के खड़ी हो जाती है, बेल्ट से मैं इसको बांध के रखती हूँ, फिर भी वो बेल्ट हटा के खड़ी हो जाती है और कभी भी गिर सकती है। जो मैं कह रही थी कि ये जो डिज़ाइंस है ये तो उभरा हुआ है, और ये जो फर्श पे बना हुआ डिज़ाइन है ना, ये उभरा हुआ नहीं है। ये देखिए ये जो दीवार पे बना हुआ डिज़ाइन है वो कैसे उभरा हुआ है पूरा 3D में, और ये ना अलग अलग स्टोन से बना हुआ है। और ये जो कारपेट आप देख रहे हो, इसको बोला जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट है, और ये बिल्कुल वन पीस में है। और ये वाला झूमर देखिए, ओ माय गॉड, मैंने ना जाने कितने सारे वीडियोस में और फोटोज में ये वाला झूमर पहले देखा है,
लेकिन जब अपनी आँखों से अभी देख रही हो ना, तब मुझे इसकी खूबसूरती के बारे में पता चला। अभी हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे वो जो बड़ा वाला झूमर हम लोगों ने देखा ना, वैसे तीन झूमर है, तो वो हमें यहाँ से पूरे तीन एक लाइन में दिखेगा। जहाँ से हम लोग पहले देख रहे थे वहाँ से सिर्फ एक दिखता था, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो पूरा तीन एक लाइन में दिखता है। ओ माई गॉड, अगर अपनी आँखों से नहीं देखती तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि ये इतना खूबसूरत है। सच में वीडियो में देख के कुछ नहीं पता चलता। जब मेरी मम्मी आई थी ना ग्रैंड मॉस घूमने, उस टाइम पे मेरी मम्मी एक बार पूरा घूम के देखने के बाद फिर सौरभ से कह रही थी कि मुझे ना और एक बार देखना है। तो उन दोनों ने तब ग्रैंड मॉस को फिर से एक बार शुरू से देखा था। लेकिन आज हम लोग दोबारा नहीं देखेंगे, साथ में उमा भी है और हमारे जो ड्राइवर भैया आए हैं ना, उनका भी कुछ दूसरा काम है, तो उनको टाइम से पहुंचना भी है। तो हम लोग बस आज यहीं तक देखेंगे, उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। और ये कारपेट का डिज़ाइन देखिए, ओ माई गॉड, मैं तो ये सोच रही हूँ कि बीच बीच में पिलर्स भी हैं, तो ये कारपेट बना के फिर यहाँ पे बिछाया होगा या फिर यहीं पे बनाया होगा? सच में ये एक ही पीस कारपेट है, कैसे बनाया होगा? और ये वाला जो झूमर है ना, इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सब कुछ बहुत ग्रैंड है यहाँ पे, इसीलिए शायद इसका नाम ग्रैंड मॉस्क है। सब कुछ बहुत अच्छे से घूम के देख लिया और अभी ग्रैंड मॉस्क के बाहर हम लोग आ चुके हैं। और लास्ट वाला जो गेट था ना, जिससे हम लोग बाहर आए हैं, इसके ऊपर ये जो डिज़ाइन है, ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत है। And the mosque's iconic architecture, which features 85 domes and 7 distinct sizes. Sheikh Zayed Grand Mosque is one of the largest mosques in the world, and it brings together many Islamic architectural styles into a single extraordinary work of art. The late Sheikh Zayed and Sultan Al-Nahyan had a vision of a mosque that would convey the Islamic message of peace. As a wonder for researchers and those interested in exploring the most significant advancement of Islamic culture in arts and sciences. सौरभ मुझे हमेशा कहता है, कहीं भी जाना हो ना तो तुम उस जगह का वीडियो कभी मत देखना, नहीं तो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। तो मैं भी आज सोच रही थी कि ग्रैंड मॉस्क का वीडियो तो मैंने कितनी बार देखा है, और ख़ुद ग्रैंड मॉस्क का वीडियो भी मैंने एडिट किया है जब मम्मी और सौरभ घूमने आए थे, तो वो वाला वीडियो, तो पता नहीं मुझे कैसा लगेगा। लेकिन सच में सामने से देखने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। जो लोग स्पॉयलर बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको मैं बोलूँगी कहीं भी जाना हो तो सच में उस जगह का वीडियो नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आप फिर वहाँ पे जाके क्या देखोगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे वीडियोस देखना भी पसंद है और फिर बाद में जाके अपनी आँखों से वो जगह देखना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो का मज़ा वीडियो में आता है और सामने से देखने का मज़ा अलग ही है, वो मज़ा वीडियो देख के कभी नहीं आ सकता। आज मंदिर में भी जाके बहुत लाइन में खड़ा रहना पड़ा कड़कती हुई धूप में। फिर जब ग्रैंड मॉस्क आए, वहाँ पे भी काफ़ी धूप था, पर हाँ ग्रैंड मॉस्क में फिर भी छाँव में चलने का ऑप्शन था, लेकिन पार्किंग में जहाँ पे हमारा कार था ना, वहाँ तक जाने के लिए फिर से हमें धूप में चलना पड़ा, तो चेहरा पूरा एकदम रेड रेड हो गया है। मैं और सौरभ पूरा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं घूमने के बाद, पर उमा अभी सो गई है। अभी ये प्रॉब्लम है क्योंकि घर जाते जाते ये अपना नींद पूरे कर लेगी, पर हम तो नहीं सो पाएंगे ना गाड़ी में, ऐसे नहीं सो सकते, पूरा नींद तो नहीं आता। हो सकता है कि थोड़ा सा आँख लग जाए, लेकिन नींद तो नहीं होगा, पक्का है। पर उमा अपना नींद पूरी कर लेगी, फिर जब हम लोग घर पहुंचेंगे तो उसका बदमाशी शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तो अभी अपनी बैटरी चार्ज कर रही है। जब घर जाके हम लोगों का रेस्ट करने का मन होगा तभी रेस्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर सकते, छोटे बच्चे के माँ बाप को ये सब सहना पड़ता है। यही है लाइफ, यही है ज़िंदगी। सो गाइस, आज का ये व्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल
एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो प्लीज़ 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 फॉलो कीजिए हमारे पेज को।